एक बात की मुझे पूरी जानकारी अभी चार्जशीट दायर हुई है हाथरस मामले में, उसकी पूरी जानकारी नहीं अभी आई है। न्यूज चैनल के माध्यम से आया क्योंकि न्यूज चैनल की जो है सत्यता प्रमाणित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल कुछ ना कुछ चला देते हैं, तो उसकी मैंने टीम वहां लगा दी, वहां से रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, अन्नदाता सड़कों पे है। और बड़े पैमाने पे ये वो लोग हैं जो इस देश में लंबे समय से संघर्ष के रास्ते पर है। घर पे हमारे भैया खेती करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने चेरी की फसल लगाई थी घास के लिए, और 7-8 हजार रुपए उन्होंने एक जगह पे खर्च किए, एक जमीन पे हमारी। और लास्ट टाइम जब उन्होंने उसको बेचा तो मंडी के भाव में जो रेट उस समय चल रहे थे वो 2000 रुपए की गई। तो मैं बड़ा हंस रहा था घर जाके, और मां से कह रहा था कि भैया खेती करते हैं तो कितनी कामयाब खेती करते हो, कितना मुनाफा होता है, कि खुद की मेहनत भी है, मोटरसाइकिल से जाते हैं, काम भी करते हैं, 10,000 रुपए फसल में लगाए भी और फसल हुई 2000 रुपए की। और ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है, अभी 2-3 महीने पुरानी। और मैं हंस रहा था, खुद में हंसता रहा बहुत, कि बताइए ये ऐसी खेती करते हैं भाई। लेकिन ये उसमें उनकी गलती कम है, और क्योंकि प्राकृतिक मार होती है, अकस्मात जो है बारिश आ जाना, पक्की फसल पे ओले आ जाना, कोहरा आ जाना, इससे फसल खराब होती है। समय पे पानी ना मिलना, या बहुत तेज हवा चलने से गिर जाना फसल का, ये बहुत परेशानी का विषय। तो मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूं, किसान आंदोलन चल रहा है और 25 से 26 लोगों ने शहादत दी। जो आंदोलन में शहीद होता है उसे शहादत का दर्जा ही मिलता है, लेकिन एक बड़ी शहादत हुई है जो एक संत की है, एक सच्चे संत की, बाबा राम सिंह जी सिंगड़ा वाले। नानक सर गुरुद्वारा करनाल, मैं कल गया था उनके अंतिम दर्शन को, और वो एक सुसाइड नोट लिख के गए, और ऐसे ही एक 10 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने गुरुद्वारे में छोड़ा था। उनके लेटर को एक बार वो पंजाब में भी लिखा हुआ था, लेकिन सुन लीजिए, उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान पिछले 3-4 महीने से आंदोलन में, वो सिंगू बॉर्डर गए और वहां के जीवन को देखा। अभी आपके यहां टेम्परेचर आप नोट करेंगे, रात में 7-8-9-10-11-12 3-4 तक जा रहा है, कड़ाके की ठंड होती है, कमरे से रात में निकलना पड़ जाए, कोई आ जाए उसको देखने जाना पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जो लोग आंदोलन में हैं वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, पेट्रोल पंप पे, सड़क पर तंबू लगा के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, टेंटों में, शीत का समय, इसीलिए तो कमाता है आदमी कि अपने जीवन की सुरक्षा कर सके, अपने बच्चों का भविष्य बना सके, अपने लिए संसाधन इकट्ठा कर सके। तो बाबा जी ने इसे करीब से महसूस किया और उनको समझ आया कि कितना बड़ा छल जो है सरकार ने किया है, और वो तकलीफ जो है वो देख नहीं पाए। कहना बड़ा आसान होता है, करीब से जब आदमी अपने जीवन में जिसके ऊपर गुजरती उसको पता लगता है। तो बाबा जी ने लेटर में लिखा कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ से आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं, कोई मेडल वापस लौटा रहा है, कोई मांग कर रहा है, कोई सड़क पे आंदोलन में है, किसी के ऊपर पानी के फुहारे लगे, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने आंसू गैस के गोले सहन किए, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी दादियां, हमारी चाचियां वहां सब लोग रोड पे हैं, हमारे दादा चाचा भैया छोटे भाई बड़े भाई सब लोग हैं वहां आंदोलन में।
तो उन्होंने कहा सब लोग अपना अपना जो भी हकदारी हिस्सेदारी बनती है आंदोलन में वो निभा रहे हैं, और मैं कायरता से सुसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं बलिदान दे रहा हूं, मैं शहादत दे रहा हूं, मैं अपने शरीर को आंदोलन में समर्पित कर रहा हूं। क्योंकि रास्ता नहीं नजर आ रहा था, कि क्योंकि सरकार हठधर्मी करके बैठ गई है, क्योंकि सरकार मजबूर है। आज मोदी जी भी मजबूर है क्योंकि इतना पैसा लिया है पूंजीपतियों से, अडानी अंबानी से, कि उनके काम रोक ही नहीं सकते, चाहे उसके लिए कितने लोगों की जान चली जाए। 25 से 26 किसानों की जान चली गई और एक संत की जान चली गई, इतना बोझ लेकर मोदी जी कैसे जिएंगे तो वो जाने। झूठ बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आंख से आंख मिला के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग झूठ बोलते हैं, और ये आज पूरा देश देख रहा है कि जहां किसान मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं किसान बिल अच्छा है। बाबा जी ने यह भी लिखा कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म को होते हुए देखना, ये तीनों जो हैं ये एक तरह का अपराध है, गुनाह है, और मैं ये नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने जीवन के का जो है बलिदान कर रहा हूं इस आंदोलन के नाम, हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इस देश के लिए, इस आंदोलन के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, उनको कोटि कोटि नमन। लेकिन किसान का, मजदूर का, गरीब का, हम सब लोगों का एक रिश्ता है। इस बिल की गहराई को आप लोग, जो लोग नहीं समझ पाए उसको, उनको ये समझना चाहिए कि पहले बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने CNPR NRC की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो संविधान के खिलाफ थी, और ये लड़ाई भी संविधान को बचाने की है, क्योंकि ये जो खेती का, इसका फसल का मामला है, ये स्टेट का मामला है, सेंटर इस पर अपनी पॉलिसी जबरदस्ती थोप रहा है, और यही किसान मांग कर रहे हैं। यहां आंदोलन होते हैं किसान अपने हक के लिए, कर्जा माफी के लिए, तमाम तरह के लिए सड़कों पर आता आंदोलन करता है, लेकिन आज किसान ने कुछ मांगा नहीं, जबरदस्ती उस पर ये बिल थोप दिए गए। ये इतनी निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है, और उसके नेता तमाम लोग भ्रष्ट हैं, लालची लोभी लोग बैठे हैं सत्ता में। वो कह रहे हैं कि हम लिखित में MSP का आश्वासन दे रहे हैं, कानून में नहीं डालेंगे, क्योंकि जो लिखित में दिया है उस पर तो कल भी कोई नया नोटिफिकेशन कैबिनेट जारी कर देगी, सरकार जारी कर देगी, और वो जो लिखित में दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। किसान तो इस बात को समझ चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि अन्नदाता वो नस्ल है जो बीज देख के बता देता कि कैसी होगी फसल, जिन्होंने जो 50 साल से खेती कर रहे हैं, 40 साल से खेती कर रहे हैं, उनको ज्यादा पता होगा, या इन लोगों को जिन्होंने कभी एक गन्ना नहीं उगा है। तो पूंजीपतियों के चाटुकार नहीं बताएंगे किसानों को कि क्या क्या समस्या किसानों के सामने आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने देखी है, इसके उदाहरण है ऑलरेडी। मंडियां खत्म हो जाए, कितने लोगों का रोजगार जाएगा। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल बाबा जी के अंतिम दर्शन करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए मैंने कल ये संकल्प लिया था कि मैं किसान आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। और मैं आपसे भी ये मांग करता हूं, अपील करता हूं कि किसान का गेहूं जब 20 रुपए बिकेगा और पूंजीपति के यहां से आटे की कीमत जो है स्टॉक की सीमा बढ़ा देने के बाद जो आएगी, जब वो 100 रुपए का होके मार्केट में आएगा, तो जो मजदूर लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो तमाम लोग जो खेती नहीं करते हैं, जब 5 गुना कीमत पे आपको यही चीजें मिलेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, ये लोग स्टोर करके रख लेंगे और फिर मंडियों में दलाल बैठ के जो हैं, जो इनके दलाल हैं बाजारों में बैठ के, वो दिखाएंगे कि इसकी कमी होगी है, और कमी हो जाएगी। आपने पहले भी देखा, जब कमी हो जाती है तो फिर किस भाव, 2 रुपए का जो 2 रुपए का जो मोल है वो 10 रुपए का मिलता है, 2 रुपए का माल। तो इससे आम जीवा व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। पंजाब और हरियाणा के अपने साथियों से अपील करता हूं, यूपी के साथियों से भी, कि जहां किसान आंदोलन को बल देने के लिए वो घर से निकले और इस आंदोलन को बल दें। अपने लक्ष्य को याद रखिए कि ये सरकार एक एक करके
सबको नुकसान पहुंचा रही है, कभी सी एन पी आर एनआर से लाती है, कभी सरकारी प्राइवेटाइजेशन करती है। हम तो सरकार के खिलाफ भोजन आंदोलन में आने वाले हैं, लेकिन जब तक किसानों का आंदोलन चल रहा है तब तक शांत है। जिस तरह से इन्होंने अभी स्कॉलरशिप 66 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप यूपी से खत्म कर दी, जिस तरह से आईआईटी में ये प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इन्होंने वो कर दिया कि ये नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो जो हमारे अधिकार हैं उनको एक एक करके छीन रहे हैं। और ये अगर हमारे होते होता है तो हमें लानत होनी चाहिए। बाबा जी ने तो सारे संत समाज का मान रख लिया, लेकिन नौजवान इस देश के बहुजन समाज के योद्धा जो हैं वो क्या इस देश के लोकतंत्र का मान नहीं रखेंगे? क्या भारतीय संविधान का मान नहीं रखेंगे? हम घरों में रजाई में हैं और वो लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने संतों महापुरुषों गुरुओं की विरासत को, संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं। आज उनको हमारी नहीं, हमें उनकी जरूरत है, उनके उनके हौसले को बढ़ाने की, इस जालिम सरकार को बताने की कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वही होगा जो जनता चाहेगी। मेरे देश की जनता जाग जाए। बाबा जी ने भी ये जो बलिदान दिया है ये हमें और आपको जगाने के लिए दिया है कि आप लोग उस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें उसकी, और जागें और इस जालिम सरकार के खिलाफ खड़े होकर इस आंदोलन को मजबूत करें। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों में तो न्याय करने की नीयत होती है, इनमें तो वो भी नहीं है। इन्हें संतों की शहादत पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये धर्म के नाम पे झूठे ढोंग करने वाले लोग, जिनको इंसानों से प्यार नहीं है, जिनको मानवता से प्यार नहीं है। और मैं संत जी को आदरांजलि अर्पित करता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन, उनके बलिदान को जो है नमन करता हूँ। आपकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम लोग इस संघर्ष को और मजबूत करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी किसान भाइयों को और आंदोलनकारियों को जो सभी बॉर्डर पे या देश के किसी भी कोने में सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ, सरकार के झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। इस तानाशाही सरकार को ये बताएं कि झूठ के पैर नहीं होते और सच सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और मुझे उम्मीद है कि किसान आंदोलन में किसान भाइयों की जीत होगी और ये जालिम सरकार हारेगी। मैं सभी आंदोलनकारियों से भी निवेदन करूंगा कि वो धैर्य और शांति बना के रखें, जैसे अपने आंदोलन को चलाते आए हैं ऐसे चलाते रहें। और धीरे धीरे जन समर्थन आपके साथ तैयार हो रहा है, और एक दिन बहुत जल्द ऐसा आएगा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इन जालिमों निकम्मों के साथ जो है, झूठों के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अभी जो लोग अपनी निजी स्वार्थ में इनके साथ है वो भी लौट आएंगे इनके पास। इतना समय मुझे सुनने के लिए, हजारों लोग जो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत हृदय गहरे से आभार। जैसे ही हाथरस मामले की जो चार्जशीट पेश हुई है वो मेरे पास आ जाएगी, मैं बहुत जल्द उस पर अपनी बात रखूंगा। अभी तो चार्जशीट में ये है कि ये जानकारी है कि FIR जो दर्ज हुई है वो हत्या, रेप और बाकी जो धाराएं उसमें लगाई गई हैं। बाकी जो भी सूचना है वो जारी रहेगी, लेकिन मेरी विनती है कि आप लोग इस आंदोलन में जुड़े और मजबूत करें और सहयोगी की भूमिका बनके जो है इसमें समर्थन करें। जन समर्थन ही एक आंदोलन सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये सिर्फ किसानों का नहीं, ये देश का आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन है। और भारत के वीर क्रांतिकारियों को नमन, और किसान आंदोलन पर संघर्ष करे सभी साथियों को नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।